हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ से वहाँ। तो हर कोई इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा है दोस्तों। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। उस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी देने वाला, फुल डिटेल्स बताने वाला उस वीडियो के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, अगर नहीं देखा तो भी आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आपका भाई का नाम जाना, इसी दिनेश वॉचिंग टेक के दिनेश। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस लड़की के बारे में बात कर दी जाए तो उस वीडियो को दोस्तों आपने देखा होगा। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ लोग, 4 से 5 लोग हैं जो उसके लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर विस्की की बोतलें डाल रहे हैं। आपने देखा होगा उस वीडियो को। तो मैं उस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करता हूँ। मैं जान लेते हैं कि क्या उसे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया नहीं किया, लड़की मिली या नहीं मिली, सारा कुछ जानते तो उसे चलते। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीडियो जोधपुर का, कोई बोल रहा है आसाम का, कोई बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट का, ये वीडियो बांग्लादेश का है। जो वो सारे लोग हैं जो बांग्लादेश के निवासी हैं और अभी वो बैंगलोर के अंदर सारे रह रहे थे कुछ दिनों से कुछ। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर आपको 5 लोग दिखाई दे रहे हैं और एक जो लड़की वो दिखाई दे रही होगी, वो जो उसके साथ में जो सब कुछ हो रहा है वो लड़की। तो उसमें के अंदर 6 लोग थे और 5 लोग थे जो उसके ऊपर दुष्कर्म कर रहे थे। उसके अंदर चार लड़के तो और एक लड़की थी। तो उसके अंदर 4 लोगों को पुलिस ने, बैंगलोर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, 4 लोगों को बैंगलोर पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। दोस्तों, उन 4 लड़के के नाम की बात की जाए तो एक का नाम सागर है और एक का नाम मोहम्मद बाबू शेख है और एक का आर हृदय है। तो आर हृदय सबसे मेन दोषी है और एक का हेकल नाम बताया जा रहा है। दोस्तों, लड़की फरार है और जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उस लड़के, वो लड़की फरार है, वो भी नहीं मिल रही। तो वो धीरे धीरे वो भी मिल जाएगी। यह सारा कुछ हो गया तो वो भी सारे जल्दी मिल जाएंगे। तो उन्हें पुलिस सर्च कर रही है, उनका सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, जल्दी उन्हें पकड़ लेगी सारे को। तो सारे लोग बांग्लादेश के निवासी है। तो दोस्तों, लड़की की बात की जाए तो लड़की बांग्लादेश की निवासी है और लड़की शादीशुदा है और लड़की का एक बच्चा भी है। तो दोस्तों, लड़की का कुछ डिवोर्स हो गया जिससे, तो दोस्तों अभी वो आर हृदय था जो टिकटॉक में एक फेमस कैरेक्टर है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। तो आर हृदय ने उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा के उसे इंडिया लेके आ गया। फिर इंडिया के अंदर वो सारे बैंगलोर के अंदर रह रहे थे। तो दोस्तों, उनके दोस्त भी थे जो बांग्लादेश से आए थे, वो सारे वहाँ पे इंडिया बैंगलोर के अंदर ही रह रहे थे। तो आर हृदय जो उनके लोगों के साथ में मिलके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को लाके वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता था। तो दोस्तों, उसका यही काम था। तो आर हृदय का यही और उसके दोस्तों का यही काम था। तो ये दोस्तों, इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है बैंगलोर के अंदर, रामनाथ नगर के अंदर सारों को अरेस्ट कर दिया गया। लड़की फरार है और जो उसके साथ में जो ये सारा हुआ वो भी नहीं मिल रही। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, जल्दी इन्हें सर्च कर लेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। दोस्तों, 4 लोगों को अरेस्ट किया। उस टाइम 2 लोग भाग रहे थे, पुलिस ने उन 2 लोगों के पैर पे गोली मारी। तो उन 2 लोगों को पुलिस हॉस्पिटल लेके गई उनके मरहम पट्टी करवाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये वीडियो, तो आप किसी आगे वालों को फॉरवर्ड ना करें। आप गैलरी के अंदर से जाके डिलीट कर ले उस वीडियो को, तभी आपके लिए फायदा रहेगा। आप दूसरों को शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप ही इस वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड करें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा वायरल करवाते हो। इस वीडियो को और वायरल मत कीजिए, क्योंकि फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ेगा और लड़की के फ्यूचर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उस वीडियो को ज़्यादा वायरल मत कीजिएगा दोस्तों। लोग कहा गए, जो अपने चैनल पे एक छोटी सी बात भी होती है तो अपने चैनल पे सबसे पहले वीडियो डालते हैं, वो कहा गए। आपने देखा वो बड़े बड़े चैनल में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े चैनल है वो इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं। क्या पता क्यों कवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि गौरव जोन है, तो गौरव जोन का अभी वो डॉगी डॉलर नाम का डॉगी था, उसने उसके डॉगी को फ्लाई करवाया। तो बहुत सारे लोगों ने भर भर के वीडियो डाले हैं कि उसके जो ट्विटर था उसके ऊपर भी उसका हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। तो आपने देखा होगा उसका हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। तो ये क्यों नहीं कर रहे लोग, कि जस्टिस के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्यों वो लोग कहाँ गए, पता नहीं कहाँ छुप गए, कहाँ वो लोग कहाँ छुप के बैठ गए। दोस्तों, आपका क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक बात पहुँचाए, तभी उन लोगों के कान तक ये बातें जाएगी। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।